क्या होता है तुम्हें? पहले फोड़े निकलते हैं, फिर हड्डियों से मेरी चमड़ी उधड़ती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा सिंह। आई एम अ वॉइस ओवर एंड अ डबिंग आर्टिस्ट। और आज हम सब यहाँ आप सबसे मिलने आए हैं। आई एम द वॉइस बिहाइंड सबरीना फ्रॉम सबरीना, देवी फ्रॉम नेवर हैव आई एवर, वेंसडे फ्रॉम वेंसडे, और हाना फ्रॉम रिबेलडे, एंड मैनी सच अदर सीरीज एंड मूवीज। तो हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का द वॉइस बिहाइंड के एक और वीडियो में। और यार, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे हिंदी डबिंग आर्टिस्ट से, जिनकी आवाज तो तुम तुम्हारी हर फेवरेट मूवीज एंड सीरीज में सुनते हो, लेकिन तुम्हें उनका नाम भी पता नहीं है। तो चलो यार, इस सीरीज का पहला एपिसोड अपने स्टार्ट करते हैं, जिस सीरीज का नाम है मीट द वॉइस आर्टिस्ट। और सबसे पहले आपको मिलवाते हैं दीक्षा सिंह जी से, जिनको आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा है। तो यार, तुम नेटफ्लिक्स से अगर हर सीरीज को फॉलो करते हो तो तुमने इनकी आवाज हर दूसरी सीरीज में सुनी होगी। और इन सीरीजों में सबसे बड़ा नाम है 2022 में आई वेनसडे का, जिसमें इन्होंने वेनसडे एडम्स को ही हिंदी में डब किया था। तलवार की लड़ाई में गन लाई हो, आज पहली बार तुमने दिमाग से काम लिया है। तलवार की लड़ाई में गन लाई हो, आज पहली बार तुमने दिमाग से काम लिया है। और यार, वेनसडे से पहले भी नेटफ्लिक्स की कई सारी सीरीज में अपनी हिंदी डबिंग कर चुकी है, और उन्हीं सीरीज में से एक सीरीज है एडवेंचर्स ऑफ सबरीना। अब यार, जिसने भी ये सीरीज देखी है उसको पता ही होगा कि कितनी सही सीरीज है। और इसमें इन्होंने डब किया था इस सीरीज की लीड सबरीना के कैरेक्टर को। अभी किंकल, यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं डरता। अच्छा, गुड नाइट हावी। गुड नाइट सबरीना। और यार, सबरीना के बाद नेवर हैव आई एवर के तीनों सीजन में इन्होंने ही डब किया था देवी को। अब जिन लोगों ने ये सीरीज देखी वो समझ गए होंगे कि देवी कौन है, और उसकी हिंदी आवाज थी दीक्षा सिंह जी। मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ, पहली बार सेक्स करने के बारे में। ओह गॉश, हम समझदार हैं, गधे दिन भर सेक्स करते हैं, अगर वो ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक एडवाइस दूं, बस मान लो ना। ओ अच्छा, शायद कल भी मैं चल ना पाऊँ क्योंकि आज मैं वाइन सेक्स करने जा रही हूँ। ख्याल रखना मिस्टर वर्जिन। इसके अलावा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई एमसीयू की सबसे फेमस सीरीज लोकी, जिसमें इन्होंने डब किया था रेवना रेंसलेयर के कैरेक्टर को। और यार, जो लोग एमसीयू या फिर मार्वल कॉमिक्स को फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा रेवना रेंसलेयर कौन है और ये किसकी गर्लफ्रेंड है। तुम अपनी गलती मानते हो या नहीं? गलती वो भी इस ये कर क्या रहा है? एक मिनट, सब चुप रहिए। जादुई शक्तियां यहाँ टीवी में वो किसी काम की नहीं मिस्टर लॉफिसन। और यार, इसके बाद जुमानजी सीरीज को तो तुम जानते ही हो, क्योंकि यार यही तो वो सीरीज थी जिसने हमें बचपन में बताया था कि असली एडवेंचर होता क्या है। और यार, इसी फ्रेंचाइजी की लास्ट फिल्म जुमानजी द नेक्स्ट लेवल में इन्होंने मिंग के कैरेक्टर को हिंदी में डब किया है। सोचा था कुछ दिन और साथ बिताएंगे, पर अब तुझे हमेशा के लिए खो दूंगा। तुम मुझे खो नहीं रहे दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तू मेरा सच्चा यार है, और अब तो मुझे बहुत याद आएगा माइलो। तो गाइज, ये थी वॉइस आर्टिस्ट दीक्षा सिंह जी और इनके कुछ औसम से प्रोजेक्ट। और यार, इनका इंस्टा हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में जा और यार इनका इंस्टा हैंडल मैंने कमेंट बॉक्स के एक लिंक में डाला है, तो वहां जाकर भी इन्हें थोड़ा लव एंड सपोर्ट दिखाना, क्योंकि यार इन डबिंग आर्टिस्ट की वजह से तो हमारी फेवरेट मूवीज एंड सीरीज अपनी भाषा में एंजॉय कर पाते हैं। और हाँ यार, कमेंट में डालो कि अगली बार आपको किससे मिलना है। और वीडियो अच्छी लग गई हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी ऐसी औसम सी वीडियो मैं तुम्हारे लिए बनाता रहूं।